वेलकम टू रसोई एक्सप्रेस। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी, जो कि हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो जी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम बैंगन, जिनको कि मैंने चकोर पीसेस में काट कर पानी में रख लिया है। और एक बड़ा आलू लिया है, उसको भी मैंने चकोर टुकड़ों में काट कर रखा है, उसको भी पानी में रख लेना है। और जहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए, और साथ ही में मैंने 3-4 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें। एक प्याज कटा हुआ, और साथ ही में 2 टेबल स्पून जिंजर कटा हुआ लिया है, और ऑयल सब्जी के तड़के के लिए। तो जहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, और साल्ट नमक स्वाद अनुसार, और जो मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, और मसाला जो गरम मसाला लिया है, जो मैंने सभी 1 छोटा चम्मच के हिसाब से लिए हैं। आप थोड़े मसाले अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जहाँ पर मैंने कुकर में डाला है ऑयल, मैंने बहुत ही कम ऑयल में इस सब्जी को बनाया है। आप चाहे तो आप जितना आप रेगुलर ऑयल डालते हैं अपने तड़के में, उतना यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन डाल देंगे, और इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे। ये देखिए लहसुन जो है वो अभी रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसको भी थोड़ा हल्का सा भूरा सा रोस्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर हम प्याज डाल देंगे, प्याज को भी थोड़ा मिक्स कर दें, और इसको भी हमने थोड़ा हल्का पिंक सा भून लेना है। अब हम जहाँ पर इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे थोड़ा मिक्स करके चलाएंगे। तो ये देखिए, ये जब तक थोड़ा ब्राउनी हो जाता तब तक हम इसे थोड़ा रोस्ट करेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है, और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भूरा हो गया है, सुनहरी भूरा। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से सारा पानी जो है वो सूख ना जाए, और ये अच्छी तरह भून ना जाए। और साथ ही में हम जहाँ पर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, जो मैंने 1 हरी मिर्च बारीक काट के डाल दी है। जो बहुत ही तीखी मिर्ची है, तो 1 ही काफ़ी है। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप 2 भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो जो ज़्यादा गर्म मिर्च है, तीखी है, तो मैंने 1 ही डाली है। आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जो देखिए, जब तक इसकी ग्रेवी सूख ना जाए तब तक हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से इसमें पानी जो है वो सूख गया है, और ऑयल सतह के ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हमने जहाँ पर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ ही में मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह तड़के में मिक्स हो जाए। अब जहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें किचन किंग मसाला ऐड करने जा रही हूँ, जो मैंने 1 टीस्पून किया है, इससे जो सब्जी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें डालना तो ना डालें, लेकिन अगर आप आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालें। इसके साथ जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको भी मिक्स कर दें। तो ये तड़का हमारा अब बिल्कुल परफेक्ट है, ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, और साथ ही में बैंगन ऐड कर देंगे। ये जहाँ पर हम पहले आलू ऐड करेंगे, आलू बैंगन को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको कवर करके बिसल लगाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने
इसको मसाले में मिक्स कर दिया है सब्जी को, और अब हम यहाँ पर आधा कप इसमें पानी का डालेंगे और इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर और इसको 2 से 3 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। तो ये हम कुकर बंद कर रहे हैं, अब हम इसके 2 से 3 विसल लगवा देंगे। तो ये 3 विसल के बाद हम जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देंगे। मेक श्योर कर लें कि जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से निकल गया है, ये अपने आप ही रिड्यूस होना चाहिए। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और मैं आपको थोड़ा कड़छी से हिलाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से आलू बैंगन की सब्जी बनाएं प्रेशर कुकर में, और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती जो भी आपके पास हो, तंदूरी रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ, जो स्पेशली बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसके साथ मक्की की रोटी बनाएं और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।